Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 23rd December of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन दें। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 21 क्या डिफाइन करता है ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, WHO कब फॉर्म किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई भी जो चैनल में हमारे कोई भी वीडियो पड़ा है उससे रिलेटेड डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या कहते हैं उसका कंक्लूजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। न्यू एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, या इस लोगों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, यहाँ पर एक ज्वाइन उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाते हैं। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ कोई भी पेपर होता है उसका हम लोग आंसर की लाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं और करेक्ट आंसर की लाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और करंट अफेयर टॉपिक्स भी बीच बीच में हम लोग डालते रहते हैं जिससे आपको हेल्प मिलती रहे, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, 20 फ्लायर्स फ्रॉम द UK टेस्ट पॉजिटिव, कि 20 फ्लायर्स जो 20 पैसेंजर्स आए हैं, UK फ्लाइट जो आई है इंडिया, उनमें 20 फ्लायर जो 20 पैसेंजर्स थे वो पॉजिटिव पाए गए। तो इस न्यूज़ में वही बात की गई है कि एटलीस्ट 20 पैसेंजर जो फ्लाइंग फ्रॉम UK टू इंडिया क्या कहते हैं वो टेस्ट पॉजिटिव आया उनका COVID-19 का। और इसमें कहा गया है क्या कहते हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो फॉलो क्या कहते हैं गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया उसके तहत इनका RT-PCR टेस्ट हुआ और उसके बाद ये पॉजिटिव पाए गए। तो अब देखा जा रहा है जितनी भी फ्लाइट जो क्या कहते हैं इन वेट क्या कहते हैं जो रास्ते में थी, जितनी भी फ्लाइट जितनी आई हुई हैं, सुबह आई फिर दोपहर में आई कई फ्लाइट आई, तो सबकी टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में, जहाँ जहाँ लोग उतर रहे हैं, जहाँ जहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके जा रहे हैं या जहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके जहाँ पहुँच रहे हैं डेस्टिनेशन जहाँ भी, वहाँ पे उनकी कोरोना टेस्टिंग हो रही है जिससे पता कर सके कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है तो नहीं, क्योंकि अगर फिर से अगर वो UK से जो स्प्रेड वहाँ फैला है और उसकी ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसमिशन रेट बहुत तेज़ है जो UK में फैला है वायरस, इस वक्त वो इसका ही एक वेरियंट है, तो कहा जा रहा है कि इंडिया में ना आए इसलिए टेस्टिंग पूरी पॉसिबल वे में करनी है, तभी हम इसे रोक पाएंगे, नहीं तो फिर से जो पुरानी कंडीशन थे फिर से हमें वही हो जाएंगे। तो इसमें यही न्यूज़ बताई गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स ओनली आफ्टर फरवरी, ये कहते हैं कि जो हमारे एजुकेशनल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एम निशांक, उन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड सेकेंड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्ज़ामिनेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन वो फरवरी के बाद ही रखा जा सकेगा, क्योंकि COVID-19 पैनमिक को देखते हुए फरवरी तक कंडीशन थोड़ी स्लो हो सकती है, इसलिए कहा जा रहा है कि फरवरी के बाद ही क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम को रखा जाएगा। अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है, जल्दी इसका शेड्यूल हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा उनकी बात कहनी थी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी शेड्यूल आ जाएगा लेकिन पॉसिबली फरवरी के बाद ही एग्ज़ाम होंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, गुपकर अलायंस इमर्जेस एज द फ्रंट रनर इन DDC पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, कि जैसे हमने देखा कि अभी जो गुपकर अलायंस 6 रीजनल पार्टीज़ का जो ग्रुप है उसने पहले जो हमें इलेक्शन हुए DDC पोल्स जो हुए जम्मू कश्मीर में, तो उस पर पहले फ्रंट रनर वही थे, उन्होंने 96 सीट जीती, 280 सीट्स टोटल हैं जम्मू कश्मीर के DDC में, और उसमें से 96 जो गुपकर अलायंस है उसने जीती है और BJP ने 70 सीट्स ऑक्यूपाई की। तो फ्रंट रनर इस वक्त गुप्ता अलायंस के जो पार्टी है 6 रीजनल पार्टी उनका फॉर्म है। तो हम लोग देख लेते हैं ये गुप्ता अलायंस है क्या, इसको अलग से देख लेते हैं, गुप्ता अलायंस कब फॉर्म किया गया था। व्हाट इज़ द गुप्ता डिक्लेरेशन टू, ये गुप्ता डिक्लेरेशन टू है क्या, अगस्त 22 अगस्त 2020 में जो लीडर्स थे 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक बार उन्होंने अलफर से मीटिंग बुलाई अभी, और उन्होंने गुप्ता डिक्लेरेशन टू साइन किया, जो रिजॉल्व जो 2019 का डिक्लेरेशन था डेट वॉज साइन, कि उसको जो रिजॉल्व करने के लिए जो क्या कहते हैं कुछ कंडीशंस थे 2019 के डिक्लेरेशन में उसको रिजॉल्व पूरी तरह से करने के लिए। जब ये 6 मेन लाइन पार्टीज एक साथ आई कश्मीर पॉलिटिक्स के लिए तो काफ़ी बड़ा है, और हमने अभी देखा कि गुपकर अलायंस ने
क्या कहते हैं 96 सीट जीती है 280 में, तो काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया भी इनका है इलेक्शंस में। तो डीडीसी पोल्स में इन लोग ने अपना फ्रंट रनर एक तरह से हैं ये लोग। जैसे हमने देखा था वाई वॉज द डिक्लेरेशन जाए कि अगस्त 4, 2019 में पहला गुपकर डिक्लेरेशन साइन किया गया था ऑन ऑल पार्टी मीटिंग जो गुपकर रोड रेजिडेंस एनसी सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला के उसमें हुई थी। जो सिग्नेटरी से वो रिपोर्टली मेंबर्स से एनसी पीडीपी सीपीआईएम कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन पार्टीज़ के मेंबर्स थे। जो रिजोल्यूशन उन्होंने पार्टीज़ ने देखा था कि प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द आइडेंटिटी ऑटोनॉमी एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए 2019 में उन्होंने गुपकर डिक्लेरेशन फर्स्ट साइन किया था। कि जैसे हमने देखा था 5 अगस्त 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांटना हुआ था, तो उसके बाद ये डिक्लेरेशन साइन किया गया था। आर्टिकल 35A विच गारंटी स्पेसिफिक राइट्स टू परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द फॉर्मर स्टेट वॉज ऑल्सो रिपील, कि आर्टिकल 35A भी रिपील किया गया था जो जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट थे जो उनको पावर देता था कि एक स्पेशल राइट्स देता था जम्मू कश्मीर के पीपल के लिए। तो इसमें यह भी कहा गया है कि सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे फ्रॉम मोस्ट पार्टी वर प्लेस अंडर हाउस अरेस्ट, कि कई जो सीनियर लीडर्स थे अभी जाके कुछ महीने पहले ही सबको हाउस अरेस्ट से रिहा किया गया है, नहीं तो सब अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े थे जम्मू कश्मीर के सबको हाउस अरेस्ट में रखा गया था। विथ मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स नाउ रिलीज फ्रॉम डिटेंशन एफर्ट्स आर नाउ न्यू टू रिन्यू द मूवमेंट, कि जैसे हमने देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स को अभी कुछ महीने पहले अगस्त में ही छोड़ा गया है, तो उसके बाद उन्होंने इस मूवमेंट को गुपकर डिक्लेरेशन 2.0 साइन करने की बात की, जिससे ये चीज जो 6 रीजनल पार्टीज हैं एक साथ मिलके क्या कहते हैं जो जितने भी इलेक्शंस हो उनमें लड़ सके और एक तरह से कंटेस्ट कर सके इलेक्शन अच्छी तरह से और जीत सके, तो इसलिए ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फायर फ्लाइज टू शाइन ए लाइट फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, किसमें बताया गया है कि फ्लैप्स प्लेस्ड ऑन ओवरहेड पावर लाइंस हेल्प द थ्रेटन बर्ड स्पीशी इन द वर्ल्ड वाइल्ड टू अवॉइड कोलिजन, कि जो क्या कहते हैं पावर लाइंस होती हैं ओवर पावर लाइन उनमें फ्लैप्स लगाए जाते हैं जिससे वो बर्ड स्पीशीज जो घूमती हैं वो उससे कोलिजन ना हो पाए, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होता है। इसमें वही बात की गई कि फायर फ्लाइज टू शाइन ए लाइट फॉर एट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, कि फायर फ्लाइज से क्या कहते हैं देख सकेंगे कि कहाँ कहाँ पे लाइन लगी है और उससे बचा जा सकेगा, नॉर्मल जो है वो बच सकेंगे। तो इसमें बात की गई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर आया है कि एक फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर फॉर ओवरहेड पावर लाइन्स इन एरियाज वेयर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन फाउंड इन द वाइल्ड, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन फाउंड होती है वहाँ पे क्या कहते हैं ये फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगाया जाए। जैसे ये लाइन है ये पूरी लाइन जैसे आप देख रहे हैं तो इनमें फायर फ्लाई रहें जिससे वो इग्निट करें क्या कहते हैं कि चमके, जिससे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो उसके साथ उसकी तरफ ना जाएं और कोलिजन से बचें, जिससे जो हमारी पॉपुलेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कम है उसको हम लोग कंजर्व कर सकें। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव भी है और एक यूनिक इनिशिएटिव भी है, तो देखना है किस तरह से ये ओवर आता है इन क्या कहते हैं फ्यूचर वेब डेज। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है दिल्ली गवर्नमेंट बिगेन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पैसेंजर विद यूके ट्रैवल हिस्ट्री, कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पैसेंजर्स को जो यूके जिनकी यूके ट्रैवल हिस्ट्री है जो यूके से आए हों 15 दिन के अंदर, तो उनको सबको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, ट्रेस किया जाएगा, टेस्ट हो गए सबके और क्या कहते हैं अभी तक नहीं हो रहे थे लेकिन जब से फिर से यूके में कोरोना का नया वेरिएंट फॉर्म हुआ है क्या कहते हैं जो स्प्रेड भी हो रहा है ट्रांसमिशन रेट उसका बहुत तेज़ है, तो फिर से क्या कहते हैं सारी कंट्रियाँ ऐसे ही स्टेप्स ले रही हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही हैं जितने भी यूके से आए लोग हैं 15 दिन के अंदर, ऐसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है यमुना मॉनिटरिंग पैनल रेसेस सर्वर इश्यूज ऑन रिवर पॉल्यूशन, क्या कहते हैं कि यमुना मॉनिटरिंग जो पैनल है उसने रेस किए कल कई इश्यूज रिवर पॉल्यूशन के उस पर, कि उन्होंने कहा यमुना मॉनिटरिंग कमेटी इन फिफ्थ रिपोर्ट सबमिटेड जो उन्होंने सबमिट की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उसमें उन्होंने कहा कि मल्टीपल इश्यूज उन्होंने रेस किए। उन्होंने कहा कि लोग वर्क कर रहे हैं सिर्फ क्या कहते हैं रिवर को क्लीन करने के लिए नहीं, सिर्फ डेडलाइंस को पूरी करने के लिए कि डेडलाइंस तक वो लोग काम पूरी कर लें, वो क्लीन करने के लिए नहीं रिवर वर्क कर रहे, तो ऐसा उनका कहना था। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत, एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल कोर्ट है जो इशूज जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को देखती है।
ये डिसाइड करती है जितने भी सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स हैं उनको, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है और किसी भी मेन लाइन जो सिविल प्रोसीजर होता है उन पे बाउंड नहीं होती। इसका स्ट्रक्चर के देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स, और ये होल्ड करते हैं ऑफिस 5 साल के लिए और इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। चेयरपर्सन जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करने के लिए जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को, जिसमें एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये पावर्स एंड जुडिक्शन क्या है? 7 लॉज दिए गए हैं। इन 7 लॉज के अंदर NGT डील करते हैं अपने सारे सिविल इन्वायरमेंटल मैटर्स या प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनके अंदर आते हैं, वो सारे केसेस इन 7 लॉज के अंदर ही डील करती है। और यही 7 लॉज हैं जो उनकी मदद करते हैं इन्वायरमेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है पेंडेमिक रेजिलियंस। इसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसने एक नए हेल्थ लॉ की बात की है कि एक नया पब्लिक हेल्थ एक्ट आना चाहिए। इसमें वही बात की गई कि रिपोर्ट जो आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की, उन्होंने एक पब्लिक हेल्थ एक्ट की बात की है। ये पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में एक पब्लिक हेल्थ एक्ट लाना चाहिए कि जैसे हमने देखा कि वेन द पेंडेमिक अराइव नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो 2019 डाटा था वो शो करता था कि 0.55 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स फॉर 1000 पीपल, लेकिन जब क्या कहते हैं पेंडेमिक आया उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसने लोगों को बहुत चक्का कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे लोगों के लिए सुविधा ही नहीं थी बिल्कुल भी, और कहते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनमें भी कंडीशन बहुत गड़बड़ थी। इसलिए लोग मेनली प्राइवेट सेक्टर के लिए तरफ करें, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में तो क्या कहते हैं सुविधा अच्छी रहती है, पैसा खर्च हो जाए लेकिन क्या कहते हैं हमें सुविधा मिल जाए और क्या कहते हैं हम जल्दी से ट्रीटमेंट हमें शुरू हो जाए। तो पब्लिक जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने कई क्या कहते हैं दिक्कतें फेस की, तो इसमें वही बात की गई है कि एक नए पब्लिक हेल्थ की ज़रूरत है, हेल्थ एक्ट की ज़रूरत है जो इन सबको चेक कर सके कि जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोविजन्स हैं, सबको चेक कर सके। इसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू कन्वीनियंस सच एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन अब भी वो राइट टू हेल्थ आ फुल लीगल एंड जस्टिबल राइट अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी आता है कि जिससे हम राइट टू हेल्थ हर किसी को प्रोवाइड कर सकें। जो क्या कहते हैं गरीब लोग हैं वो लोग तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, इसलिए उन लोगों तक भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं जितनी भी सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करना होगा। तो ये पब्लिक हेल्थ एक्ट लाने से ही ऐसा हो पाएगा, तो ऐसा इसमें बात की गई। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली एडिटोरियल आता है 5 ईयर्स सिंस पेरिस एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर, कि जैसे इसमें बात की गई है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर कि December 12 को उन्होंने 5 साल की एनिवर्सरी मनाई पेरिस एग्रीमेंट की। इंटरनेशनल कमिटी जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया, वो गैदर हुए थे क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो 2020 था उसमें सेलिब्रेट करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए एक रिजॉल्व वर्किंग टू टूवर्ड्स अ सेफर और मोर रेजिलिएंट वर्ल्ड की तरफ। जो क्या कहते हैं जैसे हमने देखा कि इस पेरिस एग्रीमेंट का 5 साल हुए, तो हम लोग देख लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट है क्या। इस पूरे एडिटोरियल में पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर ही बात की गई है, तो हम लोग देख लेते हैं। पेरिस एग्रीमेंट ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज UNFCCC है उसके द्वारा साइन टू रिड्यूस मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन की, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से उसको रिड्यूस करने के उसके लिए मिटिगेट करने के लिए ये वर्क करता है। ये कब साइन किया गया था? ये साइन किया गया था 22 अप्रैल 2016 को। कितनी कंट्रीज साइन की थी पेरिस एग्रीमेंट को? 195 UNFCCC मेंबर्स ने इसे साइन किया था। हाउएवर US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया इंटेंशन टू विदड्रॉ फ्रॉम द एग्रीमेंट बाई November 2020, कि अभी क्या कहते हैं कुछ दिन पहले ही US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने क्या कहते हैं इस जो ये एग्रीमेंट था इससे विड्रॉ किया, इस एग्रीमेंट से नवंबर 2020 में जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे उससे पहले ही। तो इसमें गोल क्या था इसका कि कर्टेल जो राइस ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से कम रखना, जो राइस होता है उसको रोकने के लिए डेवलप करना मैकेनिज्म टू हेल्प एंड सपोर्ट द कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं उनको हेल्प करना सपोर्ट करना जो वल्नरेबल है, जो जिन जहाँ पे क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है जिसके कारण, तो उसलिए वर्क कि एग्रीमेंट टॉक्स अबाउट 2020 क्या कहते हैं टारगेट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूक्शन हो 20% हो, वर्क ऑन इंक्रीजिंग की रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट को बढ़ाने के लिए 20% टारगेट टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी वो भी 20%, तो ये 2020 टारगेट्स हैं। ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं NDC, ये
एक तरह से कंट्रीब्यूशन होते हैं बाय ईच कंट्री टू अचीव द ओवरऑल गोल, जो ग्लोबल गोल है उसको कहते हैं अचीव करने के लिए ईच कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करती है, तो उसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो इसमें कहा गया ये जो कंट्रीब्यूशन है वो रिपोर्ट किए जाते हैं हर 5 साल में UNFCCC द्वारा, और ये कंट्रीब्यूशन जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्लेज ड्यूरिंग द पेरिस 2015 एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें डेवलप कंट्रीज ने कमिट किया था $100 बिलियन का पर साल का, और ये फाइनेंस वो बैलेंस किया जाता था मिटिगेशन और अडेप्टेशन के द्वारा। 3 बिलियन कमिटमेंट था ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। ऐसे ही G7 कंट्रीज ने अनाउंस किया था US के द्वारा $420 मिलियन का क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस, और लॉन्च किया था क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव को। तो ये था पेरिस एग्रीमेंट। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है वेस्टर्न गार्ड्स होम टू 3,387 लेपर्ड्स, कि वेस्टर्न गार्ड्स में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ लेपर्ड्स फाउंड हुए हैं। इसमें वही बात की गई, कर्नाटका टॉप करता है क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स के साथ, उस वहाँ पे 1,783 लेपर्ड्स हैं, और तमिलनाडु में 868। इस तरह से ये डाटा है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के हिसाब से, और विथ 650 लेपर्ड्स केरला थर्ड नंबर पे है, और लगभग वेस्टर्न घाट में 3,387 लेपर्ड्स फाउंड हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है क्या कहते हैं साउदर्न क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स में। तो इस तरह से हर कंट्री हर साइड से क्या कहते हैं इधर नॉर्दर्न इंडिया में भी इस तरह वर्क करना होगा और कंजर्व करना होगा हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स में कंजर्व हुए हैं तभी तो इतने अमाउंट में लेपर्ड्स हैं वहाँ पे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नो एपेटाइट इन रूरल इंडिया फॉर पेड वैक्सीन फाइंड सर्वे, कि इसमें एक रिस्पॉन्डेंट्स वॉन्ट एलर्ली पेरेंट डॉक्टर इम्यूनाइज फर्स्ट, की इसमें बात की गई कि लेस देन हाफ भी जो रिस्पॉन्डेंट्स से सर्वे हुआ था एक उसमें माना गया कि रूरल हाउस होल्ड जो गाँव साइड लोग रहते हैं उनका 44% से लोग ऐसे का मानना है कि वो वैक्सीन के लिए पे करेंगे, और 36 लोगों का ऐसा मानना है दे कुड नॉट पे फॉर इट, कि 36% लोग कहते हैं इस वैक्सीन के लिए पे नहीं कर सकते। तो ये कंडक्ट कराया गया था गांव कनेक्शन कंडक्टेड बाय गांव कनेक्शन द्वारा, एक रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो COVID-19 वैक्सीन एंड रूरल इंडिया सर्वे के द्वारा हुआ था, जो अक्रॉस 60 डिस्ट्रिक्ट इन 16 स्टेट्स में हुआ था और 1 यूनियन टेरेटरी में, जिसमें सैम्पल साइज ऑफ 6,040 हाउस होल्ड का लिया गया, जिसमें उसे बात की गई जो गाँव साइड लोग हैं उन लोगों का मानना है कि वो लोग पे नहीं कर सकते वैक्सीन के लिए, इसलिए वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी के लिए लाना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि जब ये कोविड टेस्टिंग भी फ्री हुई तभी हम केसेस ज़्यादा जान पाए कि कहाँ पे स्प्रेड हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है, तभी हम उसे जान पाए, वरना हम लोग जान ही नहीं पाते कि कहाँ टेस्टिंग करनी है कहाँ टेस्टिंग नहीं। अगर ये पेड होती टेस्टिंग तो इसलिए इसमें बात की गई है कि वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मोदी अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप, कि मोदी को अवार्ड मिला है लीजन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अवार्ड किया है क्या कहते हैं। उसमें कहा गया है कि इसमें न्यूज़ में बात की गई है कि इससे पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे को भी उन्होंने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिल चुका है, इसी तरह ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी क्या कहते हैं मिल चुका है क्या कहते हैं लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। तो इसके बाद अब हमारे PM नरेंद्र मोदी उनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिल दिया गया है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि जो उनकी इंडिया US रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की उनकी जो कोशिश है या जो वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड देना चाहिए, और उन्हें दिया गया इसीलिए उसी चीज़ के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। इसमें अगली न्यूज़ आती है हेल्थ डाटा शोज इंडिया डज नॉट नीड अ टू चाइल्ड पॉलिसी, की हेल्थ डाटा जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ उसमें माना गया है कि PCI ने माना पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि इंडिया में टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं लानी चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहले था अब वो कंट्रोल हो चुका है, कंट्री की पॉपुलेशन अब स्टेबलाइज कर रही है, और जो फियर था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का और जिसके लिए टू चाइल्ड पॉलिसी लानी थी वो अभी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें वही बात की गई। तो इसमें आता है टर्म पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग देख लेते हैं पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया PCI क्या होता है। PCI ये वर्क करता है पार्टनरशिप करके हेल्थ एंड सोशल काउंसिल जो सोशल इंस्टीट्यूशन उनके साथ सिंस 1960 से है, और ये इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली ऑफिस इसका 1994 में। ये काउंसिल एक तरह से ट्रस्टेड पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और पार्टनर रिसर्च है जो यंग हेल्थ पीपल्स हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ HIV प्रिवेंशन केयर ट्रीटमेंट के लिए वर्क करता है। ये 2006-2008 में इसका काउंसिल ने पहला लार्ज स्केल स्टडी किया था यंग पीपल सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स के लिए। तो इस वर्क पे ये लोग पूरा इसी मेनली वर्क पे ये लोग वर्क करते हैं PCI। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है WHO कॉल्स ऑन न्यू वायरस वेरिएंट, कि WHO ने नई मीटिंग कॉल की है जो नया वायरस वेरिएंट आया उसके लिए। तो
WHO को देखते हैं क्या होता है। WHO एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है हेल्थ के लिए, जिसे फाउंड किया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में। इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्री ऑफिसेस और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करता है कोलेबरेट करके मेंबर स्टेट्स के साथ, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई थी क्या कहते हैं 7 अप्रैल 1948 को, और ये इसलिए उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या कहते हैं डायरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करता है अथॉरिटी जो जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ वर्क है, स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना इफेक्टिव कोलेब्रेशन यूनाइटेड नेशन के साथ और जितने गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ, प्रोवाइड असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट जो स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज उनकी स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रमोट करना कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।